समय से आज भी, जैसे मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, काइंड ऑफ इन 30s एंड 40s के बीच में, तो इस एज में आज भी संडे को कपड़े का राशन का और साफ सफाई संडे को कौन कौन करता है? तो कोई करता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिलहाल तो प्रेस का है और भी शॉपिंग है आज, राशन का महीने लगे हुए हैं। मतलब महीना क्या, हमारा तो जब सामान खत्म हो जाता तब महीना लग जाता है। तो डीमार्ट जाना है अभी, तो डीमार्ट जाके वो शॉपिंग करते हैं राशन का और देखते हैं आगे क्या रहेगा। ये छोटू है, फर्स्ट टाइम आ रहा है ब्लॉग में, और इसके पहले अर्जुन था, वो चला गया, शादी हो गई। अब आपको पता है शादी हो जाने के बाद लोगों के एक्सप्रेशन हाई हो जाते हैं। गांव गया कि आऊँगा, अभी तक नहीं आया। क्या अभी कहाँ चला गया वो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ चला गया है, वहाँ कुछ ज़्यादा ही, शायद 16,000-17,000। वहाँ क्या काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा? फिर नहीं, खेत में जाएगा, पानी चालू करने का। अच्छा, लेकिन उसमें फिर बचेगा, मेहनत है उसमें बहुत ज़्यादा। चलेगा, यहाँ आराम था, लेकिन ठीक है, लोगों को ग्रोथ चाहिए आगे, हम किसी को रोकते नहीं है। फिलहाल ये है, चलते हैं। लिस्ट बनाया, किधर है लिस्ट हमारा? लिस्ट दिया है, क्या क्या चाहिए। किसी के विजिटिंग कार्ड में लिस्ट बनाया है। कोई तो रीजा ट्रेडिंग है, इसके अंदर लिस्ट बनाया है, तेल है, आटा है, चावल है, तुअर दाल है, क्या लिखा है, धनिया है, राय है, इलायची है, चायपत्ती है, कॉलगेट है, फिनाइल है, नारियल तेल है, और भी ऐड हो जाएगा। मेरी स्कूटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेस्पा की कंडीशन। कहाँ है? हाँ, इधर है। और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बाहर नहीं मिलते हैं, मतलब आपको ऑथराइज डीलर, जैसे कोई भी स्कूटर हो या फिर कुछ भी बाइक्स हो, उसके आपको नॉर्मल गैराज में सामान मिल जाते हैं, नॉर्मल यू नो दुकान में सामान मिल जाते हैं। बट लेकिन इसका ऐसा है कि इसका स्टैंड हो गया है ख़राब। देखो मैंने आपको कैसे इसको, साइड स्टैंड का डैमेज हो चुका है, मेन स्टैंड भी इसका टूट चुका है यहाँ से, क्योंकि बॉम्बे है, जंग लग जाता है। तो वेल्डिंग कराया था 2 बार लेकिन नहीं हुआ, इसको बांधा है, और इसका शॉकर भी ख़राब हो चुका है। तो धीरे धीरे इसको भी ठीक करवाएंगे हम लोग। तो फाइनली जो लिस्ट था शॉपिंग का डीमार्ट के लिए, उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने परचेस किया, 5-10 एज यूजल जो हो जाता है ऐड हो जाता है। तो ये है, संडे है, मैं सोचा बीच पे चलते हैं, बीच का नज़ारा लेते हैं। बीच को इन लोगों ने कर दिया है ख़राब, जो ब्यूटी होती थी पहले वर्सोवा बीच की, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये पहले ये बालू हुआ करता था इधर पूरा, अब वहाँ से जो दीवार दिया उसके पीछे जो जगह है, उधर के सारे ये रॉक्स को इस साइड बाहर निकाल दिए, तो जिसकी वजह से जो है और डिफ़िकल्टीज है, थोड़ा सा भी हाई टाइड हो जाता है तो पानी आगे तक आ जाता है, जबकि ये स्पेस हुआ करता था पहले घूमने के लिए इधर, जैसे जैसे पानी अभी हाई टाइड में बढ़ेगा आगे। बट लेकिन ठीक है, अभी कुछ काम करना है, कुछ काम पेंडिंग रह गया है, तो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठेंगे, वहाँ पी के कुछ काम कर लेते हैं। सो जॉगिंग का अपना ही मज़ा है, आनंद है, वो भी खास करके इवनिंग में। तो शाम के बजे हैं 9:30, बॉम्बे 9:30 कह सकते हैं आप, और जो टाइम है अभी नॉर्थ में, तो अभी काफ़ी रात है, लोग खाना खा के सोने भी चले जाते हैं। तो खैर, तो डीमार्ट का शॉपिंग कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर, हालांकि डीमार्ट का शॉपिंग मैंने किया था संडे को, टुडे इज़ मंडे,
तो शाम हो गई थी, फिर उसके बाद कुछ खास था नहीं, तो आज साजिद ऑफिस पे था। मैं बोला मतलब हमने ये प्रैक्टिस डाल दिया है कि रोज़ कुछ ना कुछ शूट करें, चाहे एक दिन में ब्लॉग कंप्लीट हो या 2 दिन में हो, लेट इट बी, प्रैक्टिस में आना बहुत ज़रूरी है। फिर गैप हो जाता है तो फिर समझ सकते हैं ना, गैप हो गया मतलब गैप हो गया। डीमार्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ मैं कि डीमार्ट जो है इंडियन कंपनी है, और 2002 15 मई 2002 को इनका पहला जो शॉप है पवई में खुला था। तो राधा कृष्णन करके उनके ऑनर हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें 191 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंटली। 17 साल में 133 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर का नेट इनकम है 2019 ईयर का, 19 का जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब किराने की दुकान खोलो, कमाई इतनी, सामान बेचते हैं, कमीशन इतना, आप सोच लो। तो खैर, मेरा किराने किराने की दुकान खोलने का प्लान नहीं है, बस ऐसे शेयर कर रहा हूँ आपसे। और किसी को अगर नौकरी करनी हो तो प्रपोज़ल बहुत जल्दी आने वाला है, और ये प्रपोज़ल मेरे तरफ से नहीं है, एलन मस्क करके एक हैं, एलन मस्क गूगल कर लीजिएगा कौन है। ये प्लानिंग कर रहे हैं मार्स पे 2050 तक जो है 1 मिलियन ह्यूमन को वहाँ रहने का इंतज़ाम करवाएंगे। 2050 तक उनका पहला जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उनका, तो उन्होंने बोला है कि मार्स पे मैं नौकरी दूंगा लोगों को, तो अगर किसी को जाना है नौकरी करने, नेशनल तो है ही, स्टेट लेवल है, इंटरनेशनल जॉब करते हैं लोग अमेरिका यूएस जाके, मार्स पे जाके भी नौकरी किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा भाई, काफ़ी एलन मस्क, काफ़ी क्या बोलूँ मैं, पीपल में कभी पार्टनर हुआ करते थे, 2002 में उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, 2002 या समथिंग में, वहाँ से जो पैसे मिले उसमें इन्होंने अपना अलग ही स्पेस रॉकेट बनाने की कंपनी खोल डाली। 3 बार ये फेल हो चुके हैं टोटली, अपने रॉकेट को लॉन्च करके, रॉकेट जो है वो कभी आधे में, कभी नीचे, कभी ऊपर जाके ब्लास्ट हो गया है, बट हिम्मत नहीं हारा बंदे ने। और फाइनली अभी ऐसा उसने बनाया है कुछ 400 फिट लंबा रॉकेट कह सकते हैं, सुपर रॉकेट कह सकते हैं, जो इनका प्लानिंग है कि पर डे 3 रॉकेट यहाँ से लॉन्च करेंगे। ऐसा रॉकेट ऐसा बनाया है, रॉकेट ऐसा बनाया है जो यहाँ से जाएंगे और आधे रास्ते में उनको मतलब इजेक्ट करके वो फिर चले जाएंगे, फिर वापस रॉकेट आ जाएगा। अभी जनरली क्या होता है, तो जो भी रॉकेट लॉन्च होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार गया तो वो आता नहीं है, टूट के ही आता है, ये डैमेज हो जाता है। बट इन्होंने ऐसा बना दिया है, प्रोटोटाइप एक बना दिया है अभी, जो अभी इनका चालू है, अभी शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं। और सारे सामान लेके जाएंगे, जो लोग जिनको जो भी जाएंगे या जो भी प्लानिंग है इनकी, खाना पीना से लेके जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहाँ पे डेवलप करने के लिए चाहिए, वो सारा चीज़ जो है वो लोग करके यहाँ से प्रिपेयर करके भेजेंगे। तो 2050, दिस इज़ नाउ 2020, 30 साल बचे हैं, देखते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है, और बंदे में दम है, कर रहा है। तो चलिए, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहाँ क्लोज़ करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो क्या बोलूँ यार, बस प्यार बटाते रहिए, और क्या बोलूँ, ब्लॉग को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट, हैव अ रॉकिंग डे।